दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन आया रोहित शर्मा का तूफान। रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाकर भारतीय टीम को 600 के पास पहुंचाने के साथ रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज खेला गया। इस मैच में पहले दिन रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया। तो वहीं रोहित शर्मा ने बाकी के बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर रनों की बारिश करते हुए ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाकर भारतीय टीम को 600 के पार ले जाने का कार्य किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, इसके पहले दो मैच समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अब तीसरा मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला गया। जहां पर इस मैच के बारे में बात करें तो इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला जो गिरा खुद कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जेम्स एंडरसन आए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना खाता चौके के साथ खोला और दोनों ने इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 9 रन बटोरने के साथ लगातार इसी दौरान दोनों ने मिलकर 12 ओवर में 50 रन की बड़ी साझेदारी भी कर डाली। ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज जेम्स एंडरसन के सामने 14 ओवर में छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर अपना विकेट दे दिया। इस दौरान जेम्स एंडरसन ने यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट कराया। इस बीच यशस्वी जायसवाल 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर 14 ओवर में पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। हालांकि इन्होंने ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन थोड़ी देर तक टीम को संभाल कर रखा और अर्धशतक लगाने का प्रयास किया। तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 18 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक गेंदबाज रेहान अहमद के सामने छक्का लगाकर पूरा किया। तो वहीं रेहान अहमद ने 26 ओवर के अंदर भारतीय टीम को दूसरा झटका शुभमन गिल के रूप में LBW आउट कर दे दिया। इस दौरान शुभमन गिल अंदर आती हुई गेंद पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 6 चौके की मदद से 44 रन बनाने के बाद LBW आउट होकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार मैदान पर आए, जिन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभालने का प्रयास किया। हालांकि ज्यादा देर तक इन्होंने भी टीम को नहीं संभाला और पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया, जहां पर पहले सत्र के समापन तक भारतीय टीम ने 165 रन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। तो वहीं 38 ओवर में रजत पाटीदार अपना विकेट दे बैठे। इस दौरान रजत पाटीदार को गेंदबाज मार्क वुड ने LBW आउट कर दिया, जो मात्र 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाकर LBW आउट हो गए, जिसके बाद अब सरफराज खान मैदान पर आए। इस दौरान अपना पहला मैच खेलने के लिए आए सरफराज खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का कार्य किया। इस दौरान बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी की, साथ में टीम के स्कोर कार्ड को आगे ले जाने का कार्य किया। इस दौरान रोहित शर्मा ने 52 ओवर के अंदर अपना 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और दूसरी तरफ से सरफराज खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 53 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, साथ में अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दूसरे सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 360 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से दूसरे सत्र के अंदर 190 रन 1 विकेट के नुकसान पर देखने को मिले। ऐसे में जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो सरफराज खान और रोहित शर्मा दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और 200 रन की साझेदारी की। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 64 ओवर के अंदर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, तो वहीं सरफराज खान ने भी अपना शतक 65 ओवर के अंदर पूरा कर लिया। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों को लगातार 2 ओवर के अंदर ही अपना विकेट देना पड़ गया, जहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए टॉम हार्टली ने बल्लेबाज सरफराज खान को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा को अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस दौरान 71 और 72 ओवर दोनों के अंदर 2 बड़े विकेट गिर गए, जहां पर सरफराज खान ने 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 124 रन अपना विकेट दे दिया, तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 22 चौके और 7 छक्के की मदद से 288 रन का योगदान दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत मैदान
मैदान पर आए, जिन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण 100 रन की अंत तक साझेदारी कर दी। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 85 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं भारत ने 87 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 89 ओवर के अंदर मार्क वुड ने दोनों बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंद के अंदर स्लिप में मौजूद जो रूट के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान रविंद्र जडेजा 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं श्रीकर भरत ने 7 चौकों की मदद से 53 रन का योगदान दिया और इसी कारण के साथ अंतिम सत्र के अंदर 250 रन 4 विकेट खोकर बना दिए और भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 610 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। और जैसा प्रदर्शन अभ्यास मैच के पहले दिन खेलने को मिला था, उसे देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे टेस्ट के पहले दिन करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इतने बजे शुरू होगा तीसरा टेस्ट मैच, इस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी भारतीय टीम। कप्तान रोहित शर्मा ने इन खिलाड़ियों को किया है टीम में शामिल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, इसके तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिर तीसरा टेस्ट मैच कब और कहां पर खेला जाएगा, इस मैच के लिए आंकड़े क्या कहते हैं, साथ में पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल क्या रहने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे ही, साथ में दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारतीय टीम ने हैदराबाद के मैदान पर 28 रन से हार का सामना किया और विशाखापट्टनम के मैदान पर 106 रन से जीत हासिल की। ऐसे में अब तीसरा मैच राजकोट के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। तो आइए इस मैच के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल सबसे पहले दोनों टीम के बीच रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच अब तक 133 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 32 मैच अपने नाम किए हैं और इंग्लैंड की टीम ने 51 मैच जीते हैं और वहीं 50 मैच ड्रॉ भी साबित हुए हैं। तो वहीं भारतीय जमीन पर दोनों टीम के बीच 66 मैच खेले गए हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 15 मैच जीते हैं और भारतीय टीम ने 23 मैच जीते हैं। इसके अलावा 28 मैच ड्रॉ भी साबित हुए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। आपको बता दें, इस मैदान पर अब तक 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मैच और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कोई मैच अपने नाम नहीं किया। साथ में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 450 रन का है। तो वहीं इस मैदान पर भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत हासिल की है और मैच ड्रॉ 1 खेला है। तो वहीं दोनों टीम के बीच अब तक इस मैदान पर 1 मैच खेला गया है, जहां पर इंग्लैंड की टीम को यहां पर भारतीय टीम ने ड्रॉ कराया है। दोस्तों, राजकोट की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, जहां पर गेंद बल्ले पर बेहतरीन तरीके से आती है। हालांकि तेज गेंदबाजों को तो यहां पर थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाजों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि अगर बल्लेबाज एक बार बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सेट हो जाए तो उसको आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि पहले दिन तेज गेंदबाजों को बेहतर मदद मिल सकती है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को शुरू से लेकर अंत तक शानदार मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच इस मैच में स्पिन टू विन का मुकाबला फॉर्मूला रहने वाला है। तो वहीं इस मैदान पर मौसम के बारे में बात करें तो तापमान काफी ज्यादा सही रहने वाला है। हालांकि बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन इस मैच में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकैत ओपनिंग करने के लिए आएंगे और वहीं मध्य क्रम में ऑली पॉप तीसरे नंबर पर खेलते दिखाई देंगे, तो वहीं चौथे नंबर पर जो रूट खेलते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टॉक्स खेलेंगे। इसके अलावा 6 नंबर पर विकेट कीपर जॉनी बेरस्टो को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में ऑलराउंडर के रूप में बेन फॉक्स को खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा टॉम हार्टली और रिहान अहमद के साथ में जेम्स एंडरसन और शोएब बसीर को खेलने का मौका दिया है।